डब्ल्यूएसवी पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस वंस अगेन आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो सीरीज। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इन दिस सीरीज द स्टडी ऑफ द बुक ऑफ रेवोल्यूशन। आई होप दिस रिसर्च विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल। आमीन। Friends, in this video, I am going to talk about some views and theories to understand the Book of Revelation. नाज़रीन ग्रामी, खुदाई रहीम के करम से मैं आपके साथ इस सीरीज में मुकाशफा पर बात करूंगा, लेकिन इससे पेशतर के मैं मुकाशफा पर बात करूं, हमें याद रखना चाहिए कि मुकाशफा की किताब हमेशा से एक मुअम्मा रही है। इसमें बयान करदा राज और रमूज की बातें समझना एक तरफ, इस किताब के नाम के मतलब के मुकम्मल मानी भी आज तक उलमा के लिए मुअम्मा ही बने हुए हैं। ताहम उर्दू लुगत के लिहाज से लफ्ज मुकाशफा लफ्ज कशफ से मस्तर है, जिसके मानी खुलना मालूम होना के हैं, लेकिन बाज हालतों में इसका मतलब राज या इसरार के भी हैं। लिहाजा इन लुगात से एक बात तो समझ आती है कि मुकाशफा की किताब में दुनिया के सामने कुछ रूहानी जुबान व अशारों में बातें की गई हैं, जिन्हें हम जब समझ नहीं पाते तो हमारे लिए राज और रमूज की बातें बन जाती हैं। इसलिए जिनको समझने के लिए हमें बाइबल की समझ के साथ साथ पाक रूह की मदद भी चाहिए। अजीज सामईन, मुकाशफा की किताब को समझने के लिए हमें तीन गिरोहों की सोचों व नज़रियात को जानना भी लाजम है, और वो तीन गिरोह ही सोच है एमिलेनियलिज्म, प्री मिलेनियलिज्म और पोस्ट मिलेनियलिज्म। अजीजों, हजार साला दौर को मिलेनियल कहा जाता है और मुकाशफा की किताब को इसी हजार साला दौर के मुताबिक समझा जाता है। तीनों ग्रहों के मुताबिक ये दौर यानी मुकाशफा की किताब में बयान करदा हालात व वाकयात यीशु मसीह की दूसरी आमद से मुतल्लिका हैं, लेकिन तीनों ग्रहों की वजह तकसीम इनके इस मुतअल्लिक मुख्तलिफ ख्याल व नज़रियात होना है। पहला ग्रोह यानी एमिलेनियलिज्म के मुताबिक ये दौर कोई हकीकी या ज़ाहरी तौर पर अलहदा व ज़ाहरी ना होगा, बल्कि ये मुकद्दसीन क्रिसिया की रूहों या दिलों में पूरा हो रहा है और यीशु की आमद पर तमाम ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर आम जुबान में कहा जाए तो इस नज़रिया के हम ये कहते हैं कि जिस दौर में हम मौजूद हैं यही दौर हजार साला बादशाही का है। दूसरा ग्रोह यानी प्री मिलेनियलिज्म के मुताबिक यीशु मसीह की आमद हजार साला दौर से पेशतर होगी, यानी आम नजर से देखा जाए तो इससे मुराद ये है कि सबसे पहले कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना जरूर है, फिर 7 साल सख्ती के होंगे और फिर यीशु मसीह की आमद कलीसिया के साथ होगी और फिर हजार साला दौर शुरू होगा और इसकी तकमील के बाद आखिरी अदालत होगी। और तीसरा ग्रोह यानी पोस्ट मिलेनियलिज्म का ये मानना है कि ये दौर यीशु मसीह की आमद से कुछ अरसा यानी हजार साल पहले शुरू होगा और इसके पूरा होने पर यीशु की हतमी आमद होगी। तो ये है तीन ग्रोही सोच जो मुकाशफा की किताब को समझने में मदद देती है। अब इन्हीं तीनों ग्रोहों के पेश नजर हमें मुकाशफा की किताब को समझने के लिए मजीद चार नजरियात या थ्योरीज को पढ़ना या ज़हन नशीन करना होगा। आइए मैं आपकी खिदमत में इन थ्योरीज का सरसरी सा तारुफ पेश कर दूं। पहले तो इन चार थ्योरीज के नाम जान लीजिए। फ्यूचरिस्ट, नंबर एक फ्यूचरिस्ट, नंबर दो हिस्टोरिसिस्ट, नंबर तीन प्रेटरिस्ट,
नंबर चार आइडलिस्ट। अब बारी बारी चारों के नजरियात, चारों थ्योरीज के बारे में जान लेना बेहतर है। फ्यूचरिस्ट क्या कहते हैं? फ्यूचरिस्ट के मुतालिक बताता चलूं कि ये लोग समझते हैं कि मुकाशफा की ज्यादातर पेशगोइयां अभी पूरी होनी है, यानी मुस्तकबिल में इनका वाकया होना लाजम है, लेकिन ये सब अलमसीह की आमद से कुछ ही देर पहले वाकया होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसमें खास बात यह है कि ये लोग यानी फ्यूचरिस्ट इन तमाम वाकयात को लिटरली पूरा होना मानते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे और जिस बारे ये पेशगोइयां की गई हैं वो सब वैसे ही किताब में बयान करदा तरतीब से पूरी होंगी। इस थ्योरी का बनाने वाला मसीहियों में सबसे बड़ा गिरोह कैथोलिक्स हैं। नाज़रीन ग्रामी, अभी थोड़ी देर पहले हिस्टोरिसिस्ट का जिक्र चला। इस थ्योरी को जन्म पर प्रोटेस्टेंटिज्म ने दिया। इस नजरिया के मुताबिक अपोस्टोलिक पीरियड यानी मसीह के रसूलों के दौर से लेकर दुनिया के आखिर तक, खास सल मसीह की आमद सानी तक, तमाम पेशगोइयां एक तसलसल से पूरी हो रही हैं। इस थ्योरी के बनाने वाले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स हैं। इस थ्योरी के मानने वाले कैथोलिक क्रिसिया के बरखिलाफ नजरिया लाते हैं। आजकल ये थ्योरी खाम खाम ही मिलती है। अब आइए तीसरी थ्योरी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है प्रेटरिस्ट्स। इस थ्योरी के मुताबिक मुकाशफा की किताब में बयान करता तमाम पेशगोइयां इनके लिखे जाने के वक्त से लेकर यरूशलेम और रोम की तबाही तक पूरी हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, प्रेटरिस्ट्स के अंदर दो ग्रोह बने हुए हैं। एक ग्रोह अपने नजरिया में शिद्दत पसंद है। ये ग्रोह मानता है कि किताब मुकाशफा के सब की सब पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि दूसरे ग्रोह में इस मामले में नरमी बरती जाती है। वो मानते हैं कि मुकाशफा की किताब के आखिरी चंद अबवाब की पेशगोइयां मसीह की आमद आने के करीब करीब पूरी होंगी। चौथा नजरिया है या चौथी थ्योरी है आइडलिस्ट। ये थ्योरी मुकाशफा की किताब की पेश गोइयों को रूहानी और सिंबॉलिक मानती है। इसके मुताबिक मुकाशफा की किताब के वाकयात असल में रूहानी जंग को जाहिर करते हैं, ना कि हकीकी या जिस्मानी जंग। ये तमाम वाकयात मसीह की शैतान पर रूहानी फतूहात का बयान है। ये तमाम वाकयात माजी में हो चुके हैं। खास खास वाकयात तारीख में बार बार दोहराए गए हैं और आज भी ये वाकयात रुनुमा हो रहे हैं, लेकिन मसीह की आमद सानी तक इन वाकयात में शिद्दत आती जा रही है। इसका मतलब है कि आइडलिस्ट के मुताबिक मुकाशफा की किताब हर वक्त के लिए है। नाज़रीन ग्रामी, ये नजरिया बहुत पसंद किया जाता है और हर सोसाइटी में काबिल कबूल भी है। अजीज सामीन, इस करीब वक्त में आपका साथ देने के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मुकाशफा की तफहीम के इस मुश्किल सफर में आप आइंदा भी मेरे हमराह होंगे। मेरी इस वीडियो की दूसरी किस्त देखना मत भूलिएगा, जिसमें आपको मुकाशफा के चार घोड़ों और चार घुड़सवारों को समझने में मदद मिलेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीज घंटी के बटन को दबाना भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जल्दी और आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। खुदा वाहिद की अमान में रहें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।